हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज मैं आप सभी लोगों को सोलर पैनल से बैटरी को डायरेक्टली कैसे चार्ज करना है केवल एक डायोड की हेल्प से, तो दोस्तों आइए वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक 12 वोल्ट की बाइक की बैटरी है दोस्तों, और इसमें मैंने मल्टीमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट करके रखा है दोस्तों पैरेलल में। एंड दोस्तों, ये हमें रीडिंग शो कर रहा है 13.71 वोल्ट्स। एंड दोस्तों, इसमें मैंने एक 5408 डायोड यूज किया है दोस्तों। एंड दोस्तों, मैंने पैनल के निगेटिव को डायरेक्टली बैटरी के निगेटिव में कनेक्ट कर दिया एंड पैनल का जो पॉजिटिव है दोस्तों उसको मैंने डायोड को सीरीज बनाकर इसमें कनेक्ट कर दिया दोस्तों। और इसे कनेक्ट किस प्रकार किया है दोस्तों वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये जो व्हाइट वायर आ रहा है पॉजिटिव वायर, ये दोस्तों पैनल का पॉजिटिव वायर है। तो दोस्तों, इसे आपको डायोड के निगेटिव में इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। एंड दोस्तों, ये जो सिल्वर पट्टी, ये डायोड का पॉजिटिव है दोस्तों, तो आपको इस पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है दोस्तों। तो आपको इसे कुल मिला कर सीरीज में कनेक्ट करना है। एंड दोस्तों, अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये वायर पैनल से किस प्रकार मैंने कनेक्ट किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं पैनल में ये दोस्तों वायर जो जंक्शन बॉक्स से निकले हुए हैं वायर दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं ये वायर्स इस तरीके से हैं। मैंने यहाँ पर इसे जॉइंट करके वायर को लंबा किया है दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से ये वायर्स आए हुए हैं एंड दोस्तों इस तरीके से मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें वोल्टेज लगातार गेन होते जा रहे हैं, तो बैटरी हमारी फुल चार्ज कंडीशन की ओर जा रही है दोस्तों। ये 14.40 वोल्ट जैसे ही पहुँचते हैं दोस्तों हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है दोस्तों। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, उस कंडीशन में दोस्तों आपको बैटरी को चार्जिंग से हटा देना है, मतलब कि इस सोलर के वायर को इस बैटरी से हटा देना है जब 14.40 वोल्ट पहुँचे। नहीं तो दोस्तों, अगर हम इस वायर को नहीं हटाएंगे दोस्तों, फिर ये वोल्टेज बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। 14 के बाद दोस्तों 15, 16 ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, 17, 18, 19, 20 तक चले जाएंगे दोस्तों। तो उसमें होगा क्या कि हमारी बैटरी उस कंडीशन में फट जाएगी दोस्तों, कि वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो ओवरचार्ज हो जाएगी बैटरी। और दोस्तों, इसमें कोई ऑटो कट नहीं लगा है दोस्तों, बस एक डायोड लगा है। डायोड का काम ये है कि जैसे हम शाम हो गए और हमने बैटरी को नहीं हटाया, तो दोस्तों इस बैटरी के जो करंट स्टोर की हुई दोस्तों वो वापसी पैनल में नहीं जाएगी दोस्तों। इस डायोड का बस इतना ही काम है दोस्तों कि पैनल करंट जो है बैटरी में जाए, पर बैटरी करंट वापसी पैनल में ना जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से थी हमारी वीडियो दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब करिए। एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और थैंक यू दोस्तों।